हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। आपने इस पैटर्न का नाम सुन रखा होगा और शायद बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देख रखा होगा, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। नुकसान क्यों होता है? आप इस पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी नुकसान क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं। कहाँ पे इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और एट द सेम टाइम ये भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये भी आपको इक्वली समझना पड़ेगा, तभी जाके आप जो इसके बेसिस पे लॉस होता है, लॉस को आप अवॉइड कर पाएंगे। और लॉसेस से अवॉइड होगा तो अल्टीमेटली आप अपने प्रॉफिट के चांसेस को इंक्रीज करेंगे और आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल भी इंक्रीज होगा और फिर अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए चार्ट पे हम देखते हैं कि सबसे पहले इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे, उसके बाद हम इसके इम्प्लीमेंटेशन फोकस करेंगे, यानी इसको हम कैसे रियल लाइफ ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं, ये जो चार्ट है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डेली चार्ट है। अब यहाँ पे आपको जो चार्ट इस्तेमाल करना होगा, डेली चार्ट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कैंडल मैच्योर चाहिए और मैच्योर कैंडल हमें बेसिकली डेली चार्ट में मिलता है। और अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ट्रैप में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम वाला भाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए अगर आपको इस पैटर्न को समझना और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है तो सबसे पहले आप इसको डेली चार्ट में इम्प्लीमेंट करना सीखिए, उसके बाद आप चाहो तो इसको आवर्ली चार्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन पे काम करें, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना, सबसे पहले आपको फाइंड करना है ऊपर में लोअर हाई। देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई बना और दूसरा हाई इससे नीचे बना, यानी ये आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना और उस पॉइंट को मार्क कर लेना। उसके बाद नीचे साइड की तरफ देखना, बॉटम में, बॉटम में यहाँ पे आपको हाइयर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे लो बना है, इससे ऊपर यहाँ पे लो बना है, इससे ऊपर यहाँ पे लो बना है, इससे ऊपर यहाँ पे लो बना है, तो ये सारा क्या फॉर्म कर रहा है, ये सारा आपका हाइयर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। बस यही दो चीज़ आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्या करना है, पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। और जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का लाइन ड्रॉ होगा और आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन के तैयार है। अब यहाँ पे क्या देखना, जो ऊपर वाला लाइन है ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो लोअर लाइन है वो हमारा क्या काम करेगा, वो हमारा यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आपको ध्यान देना है, ये आपका रेसिस्टेंस लेवल हो गया और ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। अब इस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न बनने के बाद प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब ये पैटर्न बनता है, जो प्राइस होता है वो आपका एक नैरो रेंज में मूव करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले देखिए प्राइस का रेंज इतना था, अब रेंज धीरे धीरे कम होता गया, यानी यहाँ पर इसका जो विथ है, चौड़ाई है, वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। और जैसे ही चौड़ाई कम होता जा रहा है हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हमें अप साइड की तरफ भी देखने को मिल सकता है और डाउन साइड की तरफ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम नहीं पता कर सकते हैं कि ब्रेकआउट आपका अप साइड की तरफ मिलेगा या डाउन साइड की तरफ मिलेगा, किसी भी तरफ मिल सकता है और हमें दोनों साइड ब्रेकआउट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट का हिंट कैसे मिलेगा, उसके लिए सिंपल सा है, अगर कैंडल, कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता और ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, अगला कैंडल जहाँ पे भी ओपन हो वहाँ पे हम क्या लेंगे, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ये अपसाइड की तरफ हुआ है
तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, अपसाइड की तरफ होगा तो बाई साइड की तरफ जाएंगे। सिमिलरली अगर यही सेम चीज हमें नीचे साइड की तरफ देखने को मिलेगा, कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया और नीचे क्लोजिंग दिया है, तो अगला कैंडल जहां पे भी ओपन होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। यानी अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, और रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे। अब हमने तो एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस वो भी हमें डिसाइड करना है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला उसका लोएस्ट पॉइंट क्या काम करेगा, एसएल के रूप में, वेल डिफाइंड एसएल है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करना है। उसके बाद हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, तो आपको पीछे आना देखना है इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। ये लोएस्ट पॉइंट हुआ तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, इसका जितना लेंथ है, लेंथ की बात करें 220 से लेके आपका लगभग कितना हो गया 250 के करीब, यानी 30 पॉइंट। तो आपको इस पॉइंट से लेना, लाइन से 30 पॉइंट ऊपर जाना, यानी 240 से लेके आपका लगभग 270, यानी हमारा जो टारगेट प्राइस रहेगा वो 270 हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। क्लियर, हमारा स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, टारगेट प्राइस क्लियर हो गया, हमें कहाँ पे एंट्री लेना वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेने का मौका कब मिलेगा, देखिए प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद डायरेक्ट आपका गैप अप ओपन हुआ है, तो हमें एंट्री लेने का मौका मिल रहा है 250 के लेवल पे। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, टारगेट प्राइस वापस से हमारा 270 होगा, यानी लगभग मुझे 20 पॉइंट के करीब प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। 20 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे मुझे 7-8% का प्रॉफिट आसानी से मिल गया। अगर हम इसके हाई को कंसीडर करें तो यहाँ पे भी लगभग आपको 10% का प्रॉफिट आसानी से आपको मिल रहा है, और ये कैंडल आपका बायर्स की कमजोरी का हिंट दे रहा, और ये कैंडल बनने के साथ ही हम क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 7-8% का प्रॉफिट मिल रहा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लगभग आपका जून जुलाई, यानी लगभग आप 45 डेज का इंतजार करने के बाद आपको प्रॉफिट मिला कितने दिनों में, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 5-6 डेज में आपको 7-8% का प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके लिए हमें 45 डेज इंतजार करना पड़ा, और इतने टाइम पीरियड में अगर इतना ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाता है तो वो सफिशियंट रिटर्न माना जाता है, वो अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कितनी आसानी से सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न को फाइंड करके इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस करें तो कितनी आसानी से हम यहाँ पे प्रॉफिट बना पा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आ गए बिरला कॉर्पोरेशन के डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल लेते हैं सारा का सारा हम डेली चार्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था कि अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करना तो ऊपर में क्या फाइंड करना, लोअर हाई और नीचे में हायर लो। देख सकते हैं एक हाई यहाँ बना, दूसरा हाई यहाँ बना, यानी यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया, नीचे में एक लो यहाँ पे बना, दूसरा लो यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का लाइन आपका फॉर्म करेगा, और धीरे धीरे प्राइस रेंज भी यहाँ पे आपका नैरो होता जा रहा है, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यही कैंडल आपका इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो अगला कैंडल जहाँ पे भी ओपन हो इस लेवल के करीब हम एंट्री लेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ये कैंडल आपका इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगला कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ, इसके बीच में ही ओपन हो गया, तो जैसे इसके बीच में ओपन होगा वहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इसके हाई का ब्रेक होने का, इस कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब हम एंट्री लेंगे, और जैसे ही ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा एंट्री का एग्जैक्ट लेवल होगा वो मैं बता रहा हूँ आपका 760 करीब एग्जैक्ट लेवल होगा। और यहाँ पे टारगेट प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, लोएस्ट पॉइंट ये रहा, हाईएस्ट पॉइंट आपका ये रहा, ये जो लगभग है आपका 775, यानी लगभग आपका 115 पॉइंट के करीब का हो गया, और यहाँ पे भी हम 115 पॉइंट के लिए जाएंगे, लेकिन इस लेवल से, यानी हम जो जाएंगे 150 पॉइंट के लिए लगभग आपका 750 से 115 पॉइंट, दैट मीन्स टू 865 टू 870, ये हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट प्राइस बन जाएगा। और उसके बाद देखिए सिंगल ही अपसाइड मूव दिखाया और अपने टारगेट प्राइस को आसानी से हिट कर दिया है, और यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा, कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा, लगभग मुझे यहाँ पे 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कितने मंथ इंतजार करना पड़ा, दिसंबर
जनवरी फरवरी, यानी यहाँ पे हमें 3 मंथ्स का इंतजार करना पड़ा है, उसके बाद मुझे यहाँ पे 15% का प्रॉफिट मिला जो कि सफिशियंट प्रॉफिट माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बहुत बेहतरीन फॉर्म हुआ, उसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम, इसी लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो देख सकते हैं क्या हुआ, प्राइस आपका वापस से यहीं पे आया है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, अगर आप इसको बाय चांस किसी कारण से लेट आइडेंटिफाई करते हैं इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर आप इसको लेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको वेट करना है, और कई बार प्राइस आपका वापस से इस लाइन को एक्सटेंड कीजिएगा तो इस लाइन को करीब आएगा या फिर टच करने की कोशिश करेगा, और जब इस लाइन को टच करेगा तो ये परफेक्ट समय है लेट, अगर आप हो गए तो यहाँ पे लेट एंट्री ले सकते हैं। ये जगह है जहाँ पे आपको लेट एंट्री लेना, और इसके बाद भी प्राइस आपका सिमिलर अपसाइड मूव दिखाएगा, आप सेम टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको 15-17% का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देखना है, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, अलग अलग सिचुएशन लेते हैं, वहाँ पे हमें कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है। वीडियो का लेंथ लंबा जरूर होता है लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है ताकि जब आप लाइव मार्केट में इस पैटर्न को यूज करो तो वहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंस रहे और आप हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पे अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, और यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो आपका इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के डेली चार्ट को देख रहे हैं। अब हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना, ऊपर में लोअर हाई और नीचे में हायर लो। तो यहाँ पे लोअर हाई फाइंड करने के लिए एक हाई यहाँ बना, दूसरा हाई यहाँ पे, तीसरा हाई यहाँ पे, यानी ये आपका लोअर हाई पैटर्न का कंप्लीट और एग्जैक्ट फॉर्म किया है, फॉर्मेशन किया है। नीचे में एक लो यहाँ पे, इससे ऊपर लो यहाँ पे, इससे ऊपर लो यहाँ पे, यानी ये आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पे इसका रेंज भी नैरो होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये पतला होता जा रहा है, यानी परफेक्ट ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग ट्रेड किए होंगे या पोजीशंस लिए होंगे उनको क्या होगा, उनको लॉस उठाना पड़ा होगा। अब यहाँ पे लॉस क्यों उठाना पड़ा होगा, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेता? अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना होता मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये जो पैटर्न है आपका ये वीक सिमेट्रिकल पैटर्न है, यानी कमजोर सिमेट्रिकल पैटर्न है। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, और जहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल पैटर्न है उसी के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे, इस जैसे कमजोर सिमेट्रिकल पैटर्न का साथ देके हमें लॉस में नहीं जाना है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये वीक सिमेट्रिकल पैटर्न है, और स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल पैटर्न को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वही हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।